फ्रॉड 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 कितना एक कॉमन सा वर्ड बन गया ना फ्रॉड। आज उसके साथ फ्रॉड हो गया, आज मेरे साथ फ्रॉड हो गया, कल दिन आपके साथ फ्रॉड होगा। मतलब फ्रॉड एक ऐसा टर्म बन गया है हमारा डेली लाइफ का, जिसको हम हर रोज़ सुनते हैं, किसी ना किसी के मुंह से हम हर रोज़ सुनते हैं कि फ्रॉड हो गया, इसके साथ हो गया या उसके साथ हो गया, ये करते हुए हो गया, वो करते हुए हो, कोई लिंक में क्लिक करने से हो गया, ओटीपी डालने से हो गया, कुछ भी। मतलब इट इज़ जस्ट नाउ वेरी 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 कॉमन वर्ड, राइट। सो ऐसे ही एक फ्रॉड का कहानी और कुछ टॉपिक जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। सो कहानी कुछ ऐसे शुरू होता है, आज से लगभग एक महीना पहले मेरा ग्रैंडफादर का तबीयत सही नहीं था। मतलब उनका एज हुआ है तो थोड़ा ठंडा वंडा लग गया था, और उनका चेस्ट में एक सर्जरी भी है। सो क्या हुआ था, मतलब खांसी के कारण उनका चेस्ट में थोड़ा पेन हो रहा था, और एज भी ज़्यादा है तो मतलब रिस्क नहीं ले सकते ना। सो मेरा मम्मी ने क्या किया, रात को बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा था, मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो सुबह में मम्मी ने इंटरनेट में मिशन हॉस्पिटल जो दुर्गापुर में है उसका कार्डियोलॉजिस्ट का नंबर सर्च करने के लिए इंटरनेट में सर्च किया, ठीक है। एक वेबसाइट आया जिसमें मिशन हॉस्पिटल टोल फ्री नंबर या ऐसा कुछ करके आया, ठीक है। सो मम्मी मतलब थोड़ा बहुत फ़ोन चलाना जानती है, पर इतना भी नहीं कि उनको ये मालूम चल जाए कि वेबसाइट फ्रॉड है कि नहीं, या मतलब जो नंबर आ रहा है वो सही नंबर है कि नहीं। मतलब उनको तो छोड़ ही दो यार, हम लोग जो है हमको भी हर टाइम मालूम नहीं चलता कि वेबसाइट फ्रॉड है कि नहीं, लिंक जो आ रहा है वो वैलिड लिंक है कि नहीं, सही है ना। सो नंबर वहाँ से लिया और कॉल किया। सो थोड़ा इमरजेंसी था, मतलब इमरजेंसी का मतलब ये है कि मतलब जल्दी से जल्दी डॉक्टर दिखाना था। सो मम्मी ने बोला कि मतलब कार्डियोलॉजिस्ट दिखाना है, सो पेशेंट का ये नाम है, ये है, मतलब क्या क्या कौन कौन अवेलेबल है उस टाइम पे, तो थोड़ा जानकारी लिया उनसे। तो उन्होंने जानकारी दिया, मतलब ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये 3-4-5 नाम मम्मी को दिया कि ये टाइम पे ये कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, सो आप जिसको भी दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, इसके लिए आपको बुकिंग करना होगा। सो मम्मी ने कोई भी एक चूज़ किया, मतलब जिसका मतलब कोई एक नोन नेम जो लगा उसे एक चूज़ किया। और उसके बाद फ़ोन में वो बंदा, मतलब जिसके साथ कॉल में बात हो रहा था मम्मी का, वो बोला कि आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ₹10 फ़ोन पे या गूगल पे से इस नंबर पे सेंड करना होगा। हम और जो भी आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी आप सिंसियर होंगे तो हम लोग आई थिंक नहीं करते, मतलब ₹10 से कौन सा बुकिंग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड ऑफ ऑल कोई एक प्राइवेट नंबर पे पैसा भेज के कौन सा बुकिंग होता है, उन लोगों को कोई बैंक डिटेल्स देना चाहिए था कुछ भी, मतलब अगर होता भी तो मम्मी को उतना मालूम नहीं चला, और माहौल थोड़ा टेंशन वाला था क्योंकि ग्रैंडपा का मतलब तबीयत ठीक नहीं था। तो 2-3 बार ट्राई किया तो पेमेंट नहीं गया, मतलब फेल हो गया। सो बंदे ने बोला कि ठीक है, और एक उपाय है, हम आपको एक लिंक भेजते हैं, उस लिंक को आप हमको फॉरवर्ड कीजिएगा। यहाँ पर ही हो गया गड़बड़। सो एक लिंक भेजा, अगर मेरे पास होगा वो लिंक वगैरह तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैं लिंक अटैच कर दूंगा और आप देख लेना, ठीक है। देखिए बात 3 है, फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा एक बुकिंग लेने के लिए मम्मी से 40 मिनट्स तक बात किया, ये मम्मी को समझना चाहिए था, पर यू नो जब
सिचुएशन ठीक नहीं होता, जब दिमाग में टेंशन रहता है ना, उतना कोई सोचता नहीं है, ठीक है। सेकेंड बात कि 10 रुपया से कोई बुक, मतलब पेमेंट देने से कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता। आई नो कि आप लोग ये सब कमेंट, मतलब कमेंट आएगा मेरे वीडियो में कि ये तो बहुत इजी था पकड़ना, ऐसे कैसे फ्रॉड हो गया, ये तो आपका गलती है, आपका मम्मी का गलती है, ये सब आएगा, ठीक है। तो मैं पहले से ही बोल देता हूँ कि हाँ गलती है, पर हर वक्त दिमाग सही नहीं रहता ना भाई। सो क्या हुआ, लिंक मम्मी ने फॉरवर्ड कर दिया उसको। सुबह हुआ था ये फ़ोन कॉल, नहीं हाँ हाँ सुबह हुआ था फ़ोन कॉल, और मतलब ग्रैंडपा का तबीयत थोड़ी देर बाद और थोड़ा बिगड़ गया था, मतलब यहाँ पर लोकल जो डॉक्टर्स हैं तो उनको दिखाना पड़ा, हमारा इमरजेंसी था तो दिखाना पड़ा। तो मिशन में जो भी डॉक्टर से बात, मतलब जो भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन किया था उनको, हम सोचे कि ठीक है दिखा लिया, अब थोड़ा सही है, अब नहीं दिखाने से भी ठीक है, मतलब चल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, शाम को 5:30-6 बजे तब मैं अपना शोरूम में था, मम्मी का कॉल आया, मेरे को पूछ रही है कि मेरा अकाउंट से 1 लाख रुपया तुमने निकाला है या किसी को चेक वगैरह दिया था। मैंने बोला नहीं, आपका चेक मैं क्यों दूंगा, ऐसे बिजनेस में तो बिजनेस का जो अकाउंट है उससे ही पेमेंट होता है, आपका पर्सनल अकाउंट का चेक क्यों देंगे। मम्मी ने पापा को भी फ़ोन किया, पापा का भी सेम रिस्पॉन्स था कि नहीं, जो भी पेमेंट होता है बिजनेस अकाउंट से होता है, तुम्हारा चेक लेके क्या करेंगे। फिर मतलब ये कंफर्म हो गया कि हो गया है फ्रॉड। 2 ट्रांजेक्शन हुआ, एक 80,000 का था, एक 20,000 का, विद इन 1 मिनट 1 लाख ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब मैं ये स्टोरी क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। हमारे जो मतलब आपके भी मम्मी पापा होंगे या हमारा भी है, मतलब जिसका भी मम्मी पापा उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, मतलब है ना यार, हम लोग 90s का बच्चे हैं तो वी नो कि हाँ इंटरनेट क्या चीज़ है, इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, ये ऐसे ऐसे फ्रॉड होता है, उन लोगों को उतना ज़्यादा मालूम नहीं है ना यार। सो हो जाता है, आपका मम्मी से भी हो सकता था, मेरा मम्मी के साथ हुआ है, आपका पापा मम्मी के साथ भी हो सकता है ये वाला फ्रॉड। जो बात यहाँ का मेन कंसर्न करने वाली बात है, 6 बजे हमारा साथ हुआ फ्रॉड, 6:30 या 7 बजे हम लोग पहुँच गए थाना, ठीक है। कांगसा पुलिस स्टेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पुलिस स्टेशन इन आवर एरिया, जिसका जो रेडियस है वो यहाँ पर पश्चिम बर्धमान में सबसे बड़ा है, और इनफैक्ट यहाँ पर स्पेसिफिकली साइबर क्राइम का ऑफिस भी है। तो हमने जमा दिया एक रिटर्न जो होता है केस का लिए, मतलब जीडी के लिए, और उसके साथ प्रूफ वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो उस दिन बोला कि हाँ देखते हैं, अगर कुछ अपडेट होगा तो हम बोलेंगे, अपडेट नहीं आया। सेकेंड दिन भी अपडेट कुछ नहीं आया। सेकेंड दिन फिर रात में हम लोग सब मिलके थाना गए, पूछे अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, अपडेट आएगा तो बताएंगे। 3 दिन गया 4 दिन गया 5 दिन गया 6 दिन का दिन फिर से गए हम कि सर कोई तो अपडेट होगा ना, मतलब कोई तो डिटेल्स आप दे सकते हैं ना कि कितना तक काम हुआ, कुछ मालूम चला या नहीं, या कुछ मिल सकता है कि नहीं, कुछ एक अभी तक कुछ भी नहीं मालूम चला, अगर होगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ये रिस्पॉन्स था उनका। देखिए मैं जानता हूँ कि ये सब केस हैंडल करना उतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, पर आई थिंक कि उतना भी ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कैश फ्रॉड नहीं है ना, अकाउंट से डेबिट हुआ है, अकाउंट से तो कोई अकाउंट में ही जाएगा, अकाउंट से तो उड़ नहीं जाएगा ना ऐसे, अकाउंट से कोई अकाउंट में गया है, अकाउंट अगर वो वाला अकाउंट का डिटेल्स हम ले सकते हैं तो ये भी हम ले सकते कि किस वाले ATM में कहाँ से कैश उठाया गया है,
और वहाँ पर जानकारी लेके तो हम मतलब कुछ तो लीड मिलता ना यार, कुछ तो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते थे थाना वाले जो भी है साइबर क्राइम ब्रांच, कि हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं भाई। 1 लाख इज़ ए वेरी बिग अमाउंट, यू नो इंडिया में 80% से ज़्यादा बंदों का सैलरी पर मंथ 7,000 से कम है। 7,000 से कम का मतलब समझ रहे हो यार, मतलब लगभग उनका 1 लाख रुपया उनका एक साल का इनकम है। चलो हम लोग ब्लेस्ड है, ठीक ठाक कमा लेते हैं, 1 लाख गया तो उतना भी आफत नहीं आ पा रहा मतलब, पर जिनका वही है वो क्या करेंगे यार। साइबर क्राइम का ऑफिस है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार ही नहीं है, कुछ भी क्लियर कट कम्युनिकेशन भी नहीं है। अभी हो गया मतलब लगभग 1 महीना, अभी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई लीड नहीं है, कुछ बताया भी नहीं कि होगा नहीं होगा, कितना तक पहुँचे पहुँचा केस, रिटर्न आएगा कि नहीं पैसा, नहीं। अब डिजिटल इंडिया का बात हम बहुत बोलते हैं, अरे अप्रिशिएट दैट कि हाँ डिजिटल होना चाहिए, पर यू नो जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा ना उसके साथ रिस्क फैक्टर भी उतना ज़्यादा बढ़ता है, और ये रिस्क हैंडलिंग गवर्नमेंट को बहुत सही तरीके से करना चाहिए। साइबर अटैक्स जो हो रहा है अभी ना बहुत ख़तरनाक है, और उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टाइट रूल एंड रेगुलेशन लाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि सब कुछ रोकना पॉसिबल नहीं है, पर कुछ किसी के साथ हो जाए तो आप लोग जो क्राइम मतलब साइबर क्राइम ब्रांच बना कर रखे हो उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है यार, कि 60-70% मतलब वो लोग रिटर्न ला दें पैसा, कुछ कम्युनिकेट ही कर ले, नहीं इस वजह से नहीं आ सकता, ये हुआ है आपका केस यहाँ पर जाके स्टॉप हो गया, कुछ तो बोले यार। सो एक मिनट में 1 लाख रुपया खत्म, I want all you guys to raise your voice, tweet it, post it, share the video or make shorts sort of video of your opinion and tag like West Bengal police or मतलब आवाज उठाओ यार, ये तो नहीं हो पाएगा मतलब, we are not safe, you know, सिर्फ money fraud case नहीं है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है जिसका विक्टिम मेरा एक कुछ दिन पहले मेरा एक जान पहचान का भाई भी हुआ था। फेसबुक से कॉल आता है और अननोन नंबर से बाई चांस या बाई क्यूरियोसिटी कोई उठा लिया तो बस न्यूडिटी और आपका फेस आ गया, उसको लेके ब्लैकमेल, और ब्लैकमेल करने के बाद आपसे पैसा लेता है। To raise your voice to stop this kind of things. So यही था बोलना था, शेयर करना था आप लोगों के साथ। अगर वीडियो शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो ठीक है। और एक टेक में बनाया अगर मतलब कई बार कोई गलती वगैरह हो गया तो माफ़ कर देना यार, और बस सेफ रहो यार, मतलब पुलिस थाना वाले कुछ करते नहीं हैं, आप और हम लोगों को ही सेफ रहना होगा जितना हो सके। चलो सेफ रहो जितना हो सके, और
आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और सबसे ज़रूरी अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना यार। चलो।